जनपद संभल के चंदोसी में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा ने सफाई और प्रकाश की व्यवस्था को लेकर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैठक की और जनता से अपील की कि कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, सड़कों पर न फेंकें। हम आपको बता दें कि चंदोसी में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा ने सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस विषय में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें सभी को सफाई और प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और कहा कि सभी अपने वार्डों के सभासद अपने अपने वार्डों में सफाई कराने में नगर पालिका का सहयोग करें। बस कुछ नहीं, त्योहारों का दौर चल रहा है और वैसे भी साफ सफाई हमारी दिनचर्या के रोजमर्रा की चीजों में आती है, सफाई तो मेन है। तो मेरा कहना तो ये कि सफाई व्यवस्था को हम दुरुस्त रखें, त्योहार चल रहे हैं और प्रकाश व्यवस्था की भी मैंने कहा है कि लाइट है, क्योंकि आंधी आई, बारिश आई, तो लाइटें भी कुछ, प्रकाश व्यवस्था भी कुछ गड़बड़ा गई, तो उसको सही करके रखना है हमें। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, फिर थोड़े दिन बाद दीपावली आ जाएगी, तो साफ सफाई जब रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और वैसे तो करते ही है सफाई मेनली सभी लोग, लेकिन और हम चाहते हैं कि और अच्छी व्यवस्था हो और जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि जनता जो है वो अपना विशेष ध्यान रखे। कूड़ा जब डस्टबिन सबको ज़्यादातर लोगों को मिल जाए, कूड़ा अपना गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखे, और जब कूड़ा लेने वाला है तो कूड़ा उसी को दे, या गाड़ी घूम रही है गाड़ी में डालें, अन्यथा स्थान पर कहीं भी ऐसे ना डालें। सफाई का ध्यान रखें, साफ स्वच्छता का जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, नगर पालिका के कर्मचारियों को, सब इंस्पेक्टर को और न्यायिक को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कहीं भी वार्ड में या सड़क पर या गली में सफाई नहीं पाई गई, व्यवस्था खराब दिखी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सफाई की सब सचेत हो जाए, नियमानुसार प्रतिदिन दोनों टाइम सफाई होनी चाहिए, झाड़ू होनी चाहिए, नाली सफाई होनी चाहिए। पूर्ण रूप से हमारा शहर तभी साफ होगा जब नियमित रूप से दोनों टाइम में सफाई करेंगे। और हम अगला प्लान बना रहे हैं किस तरह से व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके।